Alright guys, welcome to the yet another episode of the Medical Adda, जहाँ पे हम अनबॉक्स करते हैं Majestic Medical Vault को। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हॉस्पिटल में यूज होने वाले कॉमनली सारे आईवी फ्लूइड्स के बारे में, और साथ ही साथ ये फ्लूइड कैसे दिए जाते हैं, किस टाइप के होते हैं और क्यों दिए जाते हैं, इन सब के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और दोस्तों यूट्यूब पे ये पहला ऐसा वीडियो है जिसके अंदर में हम सारे आईवी फ्लूइड्स की बोतल्स को हमने इकट्ठा किया है और आपको दिखाने के लिए कि ये रियल लाइफ में भी ऐसे ही आती है और इन सब में ये कंपोजिशन होता है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले फ्लूइड्स की कैटेगरी अलग अलग डिवाइड की गई है। अगर आप कॉमनली देखोगे तो जो फ्लूइड दिया जाता है उन सभी फ्लूइड का एक बेस होता है, जिनके बिहाफ पे ये सारी चीजें दी जाती है, वो होती है इन सभी फ्लूइड्स की ऑस्मोलरिटी। ऑस्मोलरिटी के आधार पे ही इन फ्लूइड्स को तीन तरीके से डिवाइड किया गया है, जो कि है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। और दोस्तों बॉडी के अंदर जो हमारा प्लाज्मा होता है उसकी ऑस्मोलरिटी 280 से 290 के बीच होती है। अगर 280-290 के आसपास इस रेंज में कोई फ्लूइड है तो वो फ्लूइड आइसोटोनिक फ्लूइड होगा। इसके अलावा अगर 280 से बिलो उसकी ऑस्मोलरिटी है तो वो हाइपोटोनिक में चला जाएगा, और 290 प्लस में अगर फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी है तो वो फिर हाइपोटोनिक के नाम से हम आगे वीडियो में बात करेंगे। और वो सभी कैसे सेल्स पे इम्पेक्ट करते हैं, कैसे बॉडी में आइसोटोनिक फ्लूइड जाने के बाद में क्या हो सकता है और क्या हाइपोटोनिक जाने के बाद में क्या हो सकता है, वो सब भी कंप्लीटली हम डिस्कशन करेंगे। ओके गाइस, तो ये हो गया ब्रीफ रिवाइंड कि कैसे ऑस्मोलरिटी के आधार पर फ्लूइड को डिवाइड्स किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं हमारे पहले फ्लूइड के बारे में, जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, जो हर एक हॉस्पिटल में कंटिन्यूअसली ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है, वो वाला फ्लूइड होता है दोस्तों ये। जी हाँ, ये आप गौर से देखिए दोस्तों, ये है नॉर्मल सेलाइन। दोस्तों नॉर्मल सेलाइन के अंदर में फ्लूइड के अलावा सिर्फ और सिर्फ NaCl होता है, वो भी 0.9 ग्राम। ओके दोस्तों, इसको इस प्रकार से क्लियर करते हैं कि अगर मैं हमारे पास में 1000 ml वाटर है और उस वाटर के अंदर में NaCl 9 ग्राम अगर हम डाल देंगे तो ईच 100 ml की क्वांटिटी में 0.9% ये NS हो जाएगा। ओके गाइस, तो इन सभी चीजों को देख के इस वाले फ्लूइड को बनाया जाता है। और अगर आप जानना चाहते हो कि ये फ्लूइड्स भी मेडिकल फैक्ट्रीज होती हैं उनमें कैसे बनाया जाता है, लैब्स में किस प्रकार तैयार किया जाता है, कैसे इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री किया जाता है, तो उसके लिए भी आप वीडियो में कमेंट करना। और इस पूरे फ्लूइड सीरीज का नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखना चाहते हो तो हम लाइक्स का एम रखते हैं 2000 ms। अगर 2000 लाइक्स इस वीडियो पे अगर मिलते हैं तो फिर इसका नेक्स्ट डिटेल वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। अब बात करें इसकी ऑस्मोलरिटी की, तो गाइस इसकी ऑस्मोलरिटी होती है 308, जो कि इसको स्लाइटली प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी के अकॉर्डिंग स्लाइटली हाइपरटोनिक बनाती है, लेकिन ये हमेशा आइसोटोनिक फ्लूइड्स में ही काउंट किया जाता है। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो या फिर नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट हो तो फिर आपको ये चीज हमेशा याद रखनी होगी कि ये स्लाइटली हाइपरटोनिक की तरफ जाता है, लेकिन ये NS हमेशा हम आइसोटोनिक फ्लूइड के अंदर में इसको रखा जाता है। अब इसकी बात करें कि इसमें कितना NS होता है और कितना क्लोराइड होता है, तो वो दोनों ही दोस्तों 154-154 होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी यूजेज के बारे में। नॉर्मल सेलाइन का यूजेज नॉर्मली डिहाइड्रेशन के पेशेंट्स में हम देते हैं, और इसके अलावा कहीं पे भी वुंड है और कोई भी नेक्रोस स्किन है तो वुंड क्लीनिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ अगर हाई कंसंट्रेशन की मेडिसिंस है तो उन सभी मेडिसिंस को डाइल्यूट करने के लिए नॉर्मली फर्स्ट चॉइस ये NS ही होती है। और बात करें दोस्तों कि इसको कब कब यूज नहीं किया जाना चाहिए, तो सबसे पहले
ये कभी भी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसमें सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है। इसकी वजह से अगर सोडियम बॉडी के अंदर जाएगा तो जो भी ब्लड सर्कुलेशन है उसके अंदर में फ्लूड को ये बढ़ाएगा और वेसल्स के ऊपर प्रेशर बढ़ने की वजह से ये हाइपरटेंशन और ज्यादा बढ़ाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन में हमेशा हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को एनएस नहीं दिया जाता है। इसके अलावा चूंकि इसमें क्लोराइड आयंस भी 154 ऑस्मोलरिटी के ऊपर में रहते हैं, तो क्लोराइड की वजह से हाइपरक्लोरिनिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में पेशेंट जा सकता है, उसका भी इसके देने के दौरान ध्यान रखा जाता है। तीसरी कंडीशन है एनएस देने की वजह से हमारी जो जीएफआर रेट है उस पर इफेक्ट पड़ता है, और एक्यूट किडनी इंजरी वाले पेशेंट्स जो होते हैं उनके अंदर में भी इस फ्लूइड को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और नेक्स्ट बात करें नॉर्मल सलाइन के में चूंकि क्लोरीन भी होता है, तो हाइपरक्लोरिनीमिया की वजह से जो इन्फ्लेमेशन है या फिर एडिमा है वो बढ़ सकता है और साथ ही साथ रिनल फ्लो रेट है वो कम हो जाएगा। तो इन कुछ कंडीशंस में हमेशा हमको एनएस का यूज नहीं करना चाहिए। ओके गाइस, तो ये हो गई हमारी नॉर्मल सलाइन। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट फ्लूइड के बारे में, तो वो हमारा है यूनिवर्सली कहां गया, ये रहा गाइस डीएनएस। ओके, डीएनएस में क्या होता है दोस्तों, इसमें नॉर्मल सेलाइन तो होता ही है, साथ में इसमें डेक्सट्रोज की मात्रा भी होती है। डेक्सट्रोज को अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो इसको ग्लूकोज भी कहते हैं, तो बात वही आ जाती है जो आम भाषा में कहा जाता है कि ग्लूकोज की दो बोतलें चढ़ाई है, चार बोतलें चढ़ाई है। तो प्रिफरली हमेशा अगर कोई ऐसी बात बोलता है तो आपको सोचना चाहिए कि उसको जो पेशेंट ग्लूकोज की बात बोलता है उसको ये वाला फ्लूड ही चढ़ाया होगा, यानी कि डीएनएस। तो गाइस वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो वीडियो को करते हैं यहीं पे स्टॉप और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही हम अपलोड करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में बाकी के रिमेनिंग जितने भी फ्लूड्स हैं उन सभी के बारे में कम्प्लीटली हम जानेंगे। अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है और आगे भी आईवी फ्लूड्स के बारे में जानना चाहते हो या मेडिकल वर्ल्ड में जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं और इवन जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन सभी के बारे में जानना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो का फेवरेट पार्ट आप कमेंट कीजिए, और आपके कोई भी डाउट्स है तो वो भी आप कमेंट कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको मिल सके। अगर आप दोस्तों साथ ही साथ जानना चाहते हैं कि आईवी कैनूला कैसे परफेक्टली लगाया जाता है, तो इसके लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो देखिए, और साथ ही आप जानना चाहते हैं कि कौन सा बेस्ट पीपी अपरेटस होता है, चाहे वो मर्करी वाला हो, डिजिटल वाला हो, तो वो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।